सबसे पहले दोस्तों आप लोग अपना प्यार देख लीजिए, 34,175 यहाँ पे सब्सक्राइबर कंप्लीट आप लोगों ने कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने नहीं, ये आप लोगों ने, ये आप सभी ने यहाँ पे 34,175 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिया है। और यार कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और मतलब वीडियो लगातार वो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरे भाई आपसे कोई शिकायत नहीं है, और मुझसे क्या शिकायत है मेरे भाई, ऐसा आप क्यों करते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जल्दी से आप लोग 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। आज की वीडियो में दोस्तों तहे दिल से उन भाइयों का वेलकम है जो सब्सक्राइब करके रखे हैं, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरे भाई चैनल को, उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। और सभी लोगों का आज वेलकम करता हूँ तहे दिल से, बिल्कुल तहे दिल से मैं वेलकम करता हूँ, क्योंकि भाई आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट काफ़ी अच्छा वीडियो में आ रहा है। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में एक ऐसी बाइक के बारे में बात करने वाले हैं जिस बाइक ने अभी कोई खास दिन नहीं हुआ है, 2 महीना हुआ है इस बाइक को लॉन्च होने से, और भाई मार्केट में तहलका मचा दिया है। 125 सीसी में ऐसी बाइक अदर कंपनी के पास नहीं है जो कि अभी के टाइम में हीरो एक्सट्रीम 125R जो कि अभी है, जो कि बाकी दोस्तों अब बताया जा रहा है कि भाई हीरो यहां पे बवाल मचाने वाला है 135 सीसी में एक्सट्रीम को और दमदार फीचर्स के साथ, यानी पीछे भी डिस्क आपको देगा, यानी कहीं ना कहीं भाई ये 135 सीसी 160 सीसी का टक्कर यहां पे देगी। जैसा कि दोस्तों हीरो यहां पे 135 सीसी में यहां पे हीरो एक्सट्रीम 125 को लाने वाला है। अब दोस्तों बात करेंगे कि भाई हीरो एक्सट्रीम 125R में क्या कुछ अलग मतलब देखने को मिलेगा 135 सीसी में, 125 में नहीं बल्कि 135 सीसी में। हालांकि एक्सट्रीम 3 कलर ऑप्शन के साथ यहां पे इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च हुआ है, जो कि एक ब्लैक है, फुल्ली ब्लैक। सेकेंड में दोस्तों और 2 कलर ऑप्शन है, जो कि एक ब्लू है और एक दोस्तों यहाँ पे ब्लैक एंड रेड है। तो भाई यहाँ पे सवाल आता है कि भाई एक्सट्रीम 135 सीसी में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेगा, क्या क्या फीचर्स मतलब देखने को मिलेगा, क्या ऑनरोड शोरूम प्राइस है, क्या माइलेज है, और क्या कुछ सारा कुछ मतलब देखने को मिलेगा, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो भाई बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हीरो एक्सट्रीम 135 बाइक में आपको फ्रंट में यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलने वाला है। आगे बात करेंगे दोस्तों, बताया जा रहा है कि भाई LED DRLR, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आपको एक्सट्रीम का लुक जो MT से मिलता जुलता है वो भाई और भी मतलब इनहेंस लुक यहाँ पे आपको दिया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं MT का टक्कर देगी। जी हाँ दोस्तों, लुक में, हालांकि फीचर्स तो भाई MT तो भाई अलग ब्रांड है, यामाहा का ब्रांड है MT, और भाई MT के टक्कर में नहीं होगा, लेकिन भाई लुक के हिसाब से अभी आप एक्सट्रीम 125R को देख लीजिए तो भाई सामने से कहीं ना कहीं MT का लुक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो वैसे ही यहाँ पे आपको MT का लुक देखने को मिलने वाला है। बाकी दोस्तों यहाँ पे 4 इंडिकेटर का भी स्विच दिया गया है एक्सट्रीम 125R में, और बाकी दोस्तों एक्सट्रीम 135R में यहाँ पे आपको 4 इंडिकेटर के साथ साथ यहाँ पे आपको हेजार्ड वाला स्विच और हॉर्न का स्विच, ये सारा फीचर्स आपको सेम दिया जाएगा। और बताया जा रहा है कि भाई एक्सट्रीम 135 सीसी में पीछे भी डिस्क होगा और डुअल चैनल ABS आपको यहाँ पे दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डुअल चैनल ABS यहाँ पे आपको एक्सट्रीम 135R में आपको मिलने वाला है। आगे बात करेंगे दोस्तों ये लुक और डिज़ाइन के बारे में, इंजन के बारे में, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, पूरा वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए। मेरे भाई यहाँ पे आपको एक्सट्रीम 135 सीसी में बात करेंगे दोस्तों इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, तो भाई अभी फ़िलहाल फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें आपको देखने को मिल जाता है 10 लीटर से लेकर 11 लीटर के आसपास में, यानी 10 से लेकर 11 लीटर के आसपास में इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाता है। तो भाई उसमें भी आपको यहाँ पे 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलने वाला है। आगे बात करेंगे दोस्तों सीट के बारे में, तो भाई सीट वगैरह यहाँ पे आपको स्प्लिट में देखने को मिलेगा, जो कि पीछे काफ़ी कंफर्ट है, और लुक और डिज़ाइन आप लोग देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे। सिंगल लोनों के लिए तो भाई ये बाइक बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है, जो शादीशुदा नहीं है, कॉलेज में मतलब कॉलेज करते हैं, स्टडी वगैरह करते हैं, तो भाई उनके लिए ये बाइक बहुत ही बेस्ट है, जो कि भाई बिल्कुल रोला जमा सकते हैं आप इस बाइक से। आगे बात करेंगे 135 सीसी में और क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो भाई यहाँ पे इंजन में बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको 125 सीसी का एयर कूल इंजन सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक SOSC BS6 Phase 2 E20 का यहाँ पे आपको इंजन देखने को मिल जाएगा। इंजन की पावर की अगर बात की जाए तो भाई मैक्सिमम पावर में यहाँ पे आपको अप्रोक्स 12 BHP का पावर देखने को मिलेगा 8,500 RPM पर, एंड यहाँ पे 11 NM का टॉर्क देखने को मिलेगा 7,500 RPM पर। तो भाई पावर एंड टॉर्क काफ़ी अच्छा है। 5 गियर का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा 135 सीसी एक्सट्रीम 125, ये एक्सट्रीम 135 सीसी एक्सट्रीम 135R में, तो ये सारा फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे दोस्तों इसके गियर के बारे में, तो भाई यहाँ पे आपको गियर वगैरह 5 गियर जो कि मैंने आपको बताया। साइड स्टैंड के बारे में बात करेंगे कि भाई साइड स्टैंड क्या कुछ देखने को मिलेगा, तो भाई साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन का सेंसर आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। आगे हम आपको बताएंगे कि भाई इसका प्राइस क्या है, कब तक हमारे इंडियन टूलर मार्केट में ये बाइक लॉन्च होगी,
इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन भाई स्टेप बाय स्टेप सब कुछ हम लोग बिल्कुल बारीकी से समझने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। बार बार वैसे मैं लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगा ताकि आप लोग गुस्सा ना हो जाएं। तो मैं ये कह रहा था कि भाई यहाँ पे आपको सबसे अच्छी बात है कि भाई टायर हैगर दिया जाएगा, जिसमें कि दोस्तों बरसात में कीचड़ वगैरह मतलब लगने का चांस बहुत कम रहेगा। तो ये सारा फीचर्स आपको दिया जाएगा, यानी टायर हैगर, सिंगल सोकर, और सोकर जो इसमें दिया हुआ है वो बहुत ही अच्छा ब्रांड का सोकर दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सिंगल सोकर दिया है जो कि फाइबर एडजस्टेबल है और बिल्कुल लपालप सोकर है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये बाइक पर्सनली आप लोग मेरे पुराने ऑडियंस हैं, तो भाई इस बाइक का मतलब ब्लू कलर वाला ऑप्शन मैंने लिया है बाइक की आप लोगों की प्यार मोहब्बत से। तो ये है दोस्तों इसका ब्लैक कलर ऑप्शन, जो कि काफ़ी अल्टीमेट और काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो यहाँ पे दोस्तों सोकर वगैरह काफ़ी अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, 125 सीसी में ये 30 mm का आपको फ्रंट में सोकर देखने को मिलता है, यानी सामने आपको 30 mm का सोकर देखने को मिलता है। लेकिन मेरे भाई इसमें आपको जो सोकर दिया हुआ है वो दोस्तों 38 mm का सोकर दिया हुआ है, जो कि काफ़ी मोटा सोकर है, जो कि आप लोग सामने देख सकते हैं। हालांकि बाइक 125 सीसी की है, और जो एक्सट्रीम 125 का जो प्राइस है वो मैं आपको बता दूँ, इसका प्राइस है दोस्तों 1,20,000 ऑन रोड शोरूम प्राइस, 1,20,000 के आसपास में इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है। हमारे यहाँ पे 1,20,500 है, आपके यहाँ पे 1,21,000 भी हो सकता है, 1,19,000 भी हो सकता है। तो ऊपर नीचे थोड़ा सा प्राइस में हो सकता है, क्योंकि भाई हर जगह का RTO और इंश्योरेंस चार्ज में फ़र्क होता है, तो भाई जिसके कारण ऑन रोड शोरूम प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। तो भाई ये प्राइस वगैरह है, और माइलेज के बारे में बात करेंगे तो भाई माइलेज वगैरह दोस्तों यहाँ पे आपको ये बाइक 65 का माइलेज निकाल के देती है प्रत्येक लीटर। दोस्तों इसमें आपको 65 का माइलेज मिल जाता है, जो कि एक अच्छा माइलेज है। और बात करेंगे दोस्तों कि 135 सीसी का प्राइस क्या होगा और उसमें माइलेज क्या होगा और कब तक उसका लॉन्च डेट है। तो भाई जो एक्सट्रीम 135 सीसी आ रही है उसमें माइलेज आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, 60 का माइलेज मिल जाएगा। प्राइसिंग के बारे में जहाँ तक सवाल है, तो भाई होंडा का जो यूनिकॉर्न है उसी के आसपास में प्राइस आपको देखने को मिलेगा, अप्रोक्स वही 1,34,000 से लेकर 1,35,000 के बीच में ऑन रोड शोरूम प्राइस आपको देखने को मिलने वाला है। अब बात करेंगे दोस्तों इसके लॉन्च डेट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो बताया जा रहा है कि दोस्तों 2026 तक, जी हाँ दोस्तों 2026 तक ये बाइक को हमारे इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भाई अभी फिलहाल हीरो की तरफ से कोई भी कन्फर्म ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई ये बाइक को जल्द से जल्द 135 सीसी में उतारा जाए, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कीजिए, हैशटैग लगा के कमेंट कीजिए कि भाई 135 सीसी में आना चाहिए एक्सट्रीम, 135 सीसी में आना चाहिए एक्सट्रीम, ताकि हीरो कंपनी को ये लगे कि नहीं भाई एक्सट्रीम का डिमांड है और एक्सट्रीम को 135 सीसी में लॉन्च किया जाए। क्योंकि भाई एक्सट्रीम 125R का जो डिमांड है वो काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा डिमांड है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छा सेल है, और ये बाइक तो भाई इतना ज़्यादा अभी मार्केट में चल रहा है, धीरे धीरे मार्केट इसका इतना तेज़ी से पकड़ रहा है भाई। ये बाइक का लुक और डिज़ाइन आप लोग देखो, ठीक है, काफ़ी ज़बरदस्त इसका लुक और डिज़ाइन है। तो ये सारा सीन है दोस्तों लॉन्च डेट के बारे में। बाकी दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी इस बाइक को लॉन्च किया जाए, तो प्लीज़ यार लेट ना करें, आप लोग जल्द से जल्द इस बाइक को मतलब ये लॉन्च करवाने के लिए आप लोग थोड़ा कमेंट करें, इस वीडियो के नीचे इतना कमेंट करें, कमेंट करने में कमी ना करें मेरे भाई, ठीक है।